जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अरोड़ा एस एकेडमी में। हमारी ये पॉलिटी सीरीज चलाई जा रही थी, उसी के अंतर्गत हम सुप्रीम कोर्ट को लेकर के चल रहे थे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में हमने कुछ कुछ टॉपिकों को इसमें डिस्कस किया था। और आज हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है राष्ट्रपति को यदि जो अधिकार दिया गया है संविधान द्वारा कि जजों को किस प्रकार से हटाना है, तो उसके बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। जो किताबों में स्पष्टता नहीं है, मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ कि राष्ट्रपति को हटाने संबंधित प्रावधान इससे आसान और सरल भाषा में आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप कोई सी किताब पढ़ लो, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। देखो क्या होता है, यदि जज को हटाने का अधिकार तो राष्ट्रपति को दे रखा है, लेकिन हटेगा कैसे? देखो पहले हम देखते हैं महाभियोग की प्रक्रिया, फिर मैं आपको थोड़ा कुछ और बताऊंगा एक्स्ट्रा। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, यानी कि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 एक प्रावधान है, उसके द्वारा क्या होता है, इसके तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध है। यानी कि जांच न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में कुछ प्रक्रिया बताई गई है, उन्हीं के आधार पर आगे का प्रोसेस होता है। होता क्या है, अगर किसी जज को हटाना है तो लोकसभा में शुरू करना है, राज्यसभा में शुरू करना है। यदि लोकसभा में शुरू करना है तो 100 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है, अगर राज्यसभा में शुरू करना है तो 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। अब देखो होगा क्या, इसे हम हटाएंगे कैसे। हम देखो यहां तो ये है हमारी लोकसभा, ये है हमारी राज्यसभा। यानी कि यदि लोकसभा में राज्य जज को जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने का प्रस्ताव लाना है तो क्या करेंगे, लोकसभा में हमें कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए, यानी कि 100 सदस्यों का क्या चाहिए हमें, समर्थन चाहिए यदि लोकसभा में लाना है हटाने संबंधी प्रस्ताव। तो यदि राज्यसभा में लाना है तो चाहिए 50 सदस्यों का समर्थन, ठीक है। कितने चाहिए, 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए, समर्थन मिलेगा। हम लोकसभा की बात कर, हम बात करते हैं राज्यसभा के बारे में, ठीक है। अब क्या होगा, अब राज्यसभा में क्या हुआ, 50 सदस्यों का समर्थन मिल गया, और मिलने के बाद क्या होगा, ये 50 समर्थन किसको दे देंगे, राज्यसभा के सभापति को दे देंगे कि हम जज को हटाने संबंधित हम क्या है, हम एक जांच जो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 उसका सहारा ले रहे हैं, और राज्यसभा में 50 सदस्यों का समर्थन है और हम इन जज को हटाना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, फिर सभापति जो होगा राज्यसभा का, वो इसे अस्वीकार भी कर सकता है और स्वीकार भी कर सकता है। यदि उसने स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के बाद फिर क्या होगा, फिर एक समिति का गठन होगा, यानी कि एक 3 सदस्यीय समिति बनेगी। यानी कि जैसे ही सभापति उस बात को स्वीकार कर लेगा तो 3 सदस्यीय समिति बनेगी, ठीक है। ये क्या बनेगी, 3 सदस्यीय जांच समिति बनेगी। फिर क्या होगा, इस समिति में कौन कौन शामिल होंगे, भारत का मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश, यानी कि इस समिति में पहले होंगे सीजीआई या फिर हाँ सुप्रीम कोर्ट का कोई और जज, ठीक है, वरिष्ठ जज। अगले कौन होंगे, किसी उच्च न्यायालय का यानी कि हाई कोर्ट का सीजीआई, ठीक है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई या फिर कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, दूसरा किसी भी राज्य का एक मुख्य न्यायाधीश, अगला कौन सा है, कोई प्रतिष्ठित न्यायविद यानी कि कोई काबिल न्यायविद होना चाहिए। यानी कि इन 3 लोगों के द्वारा एक समिति गठित की जाती है। अब क्या करेंगे, अब ये समिति क्या करेगी, एक रिपोर्ट बनाएगी अपनी, और रिपोर्ट बना करके सौंप देगी किसको, उस सभा के सभापति को, ठीक है, जिसने समिति गठन किया था। अब समिति के पास आ गया कि ठीक है भाई, राष्ट्रपति को अब अधिकार मिल जाएगा बाद में किसको हटाना है। अब समिति के पास जब रिपोर्ट आ जाती है, अब उस समिति क्या करेगी, आज्ञा दे देगी, अब आप अपनी संसद में विशेष प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। अब क्या होगा, यदि समिति दोष माने तो जज को इस प्रस्ताव पर विचार कर सकती है, यानी कि सदन यदि समिति ने यह मान लिया है कि यह जज दोषी है तो समिति क्या करेगी, सिफारिश दे देगी, और सदन क्या, फिर अब सदन को अधिकार मिल जाएगा इस पर वोटिंग करने का। अब प्रक्रिया शुरू होगी यहां पर बहुमत वाली, ठीक है। फिर विशेष बहुमत द्वारा, देखो यहां पर थोड़ा गलत लिखा है और ज्यादा लगता है गलत ही लिखा है। देखो सदन में प्रोसेस किस प्रकार से होगा, सदन में होगा कुल सदस्य संख्या का बहुमत, ठीक है, प्लस उपस्थित और मत देने वालों का 2/3,
यदि इतना बहुमत बनता है तभी किसी जज को हम हटा सकते हैं। अब समझते हैं इसको हम थोड़ा डिटेल में, ठीक है, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। थोड़ी इसकी दिक्कत है क्योंकि दूसरा सॉफ्टवेयर है ये, इसलिए इसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है। चलो यहां समझाता हूं, ठीक है। अब देखो अच्छे से देखना और इसको थोड़ा समझना। हम देखते हैं पहले राज्यसभा के बारे में, ठीक है, यानी कि राज्यसभा क्या करेगी, इसे कुल सदस्य संख्या बहुमत, कुल सदस्य संख्या बहुमत। पहली कंडीशन क्या है, कुल सदस्य संख्या बहुमत। देखो राज्यसभा में कितने लोग होते हैं, 245, ठीक है, 245 लोग होते हैं। अब 245 का कुल सदस्य संख्या बहुमत निकालेंगे तो कितना बैठेगा, इसका बैठेगा 123, यानी कि यदि कुल सदस्य संख्या बहुमत निकालना हो तो इसका आधा कर दो। अब तो 245 का आधा कितना होगा, 123, मतलब 123 लोगों की वोटिंग होना अनिवार्य है। अगला क्या है, उपस्थित और मत देने वालों का 2/3। कई बार क्या होता है, लोग इसी को समझ लेते हैं कि विशेष बहुमत, ध्यान रखना विशेष बहुमत का मतलब यहां पे यह होता है कि कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मत देने वालों का 2/3, ये दोनों मिलकर के जब पारित हो जाएगा तब अगले सदन में जाएगा और वो सदन भी यही प्रोसेस अपनाएगा, कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मत देने वालों का 2/3। अब देखो क्या होता है, हमने राज्यसभा को एग्जाम्पल लिया है तो राज्यसभा में क्या हुआ, देखो कुल सदस्य संख्या का बहुमत कितना हो गया, 123, यानी कि इतनी वोटिंग अनिवार्य है। अब अगला क्या हुआ, अब सपोज करो 150 लोग उपस्थित हैं, क्योंकि आप भी जानते हो कि 245 मेंबर एक साथ उपस्थित नहीं हो सकते, यानी कि यहाँ 243 की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि 243 जो मेंबर हैं वो एक साथ उपस्थित नहीं हो सकते। सपोज करो कि 150 लोग उपस्थित हैं और इतने लोग वोटिंग कर रहे हैं, तो इस उपस्थित और वोटिंग करने वालों का 2/3 निकाला जाएगा, तो 150 का 2/3 निकालोगे तो समथिंग बैठेगा 100 बैठा। अब आप एक बात समझो, इस 100 से पारित होने के बाद भी जज को नहीं हटाया जाएगा, हटेगा कब, जब ये संख्या 123 तक पहुंच जाती है, यानी कि 100 इन दो यानी कि उपस्थित और मत देने वालों की संख्या यदि 123 तक नहीं पहुंचती है तब तक नहीं हटाया जाएगा, ध्यान रखना। तो 150 लोग थे और 150 का हमने 2/3 निकाला तो 100 बैठा और ये 123 तक नहीं पहुंच रही, इसलिए ये प्रोसेस काफ़ी टफ हो जाता है, ये प्रोसेस काफ़ी टफ हो जाता है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें संख्या 200 करनी पड़ेगी और 200 संख्या 200 हो 220 हो उसका 2/3 निकालना पड़ेगा, 2/3 के बाद जो संख्या निकल के आएगी, एक संख्या जो निकल के आएगी वो 123 तक पहुंचनी चाहिए, यानी कि इतने भी अनिवार्य है, यदि 123 नहीं हो पाते फिर भी नहीं हटा, यानी कि 123 भी जरूरी है और उपस्थित और मत देने वाले की संख्या का 2/3 भी जरूरी है, इसलिए प्रोसेस काफी टफ हो जाता है, इसलिए आज तक किसी भी जज को नहीं हटाया गया है। अंग्रेजों के जमाने में बारन हेस्टिंग्स के खिलाफ आया था, ठीक है, बारन हेस्टिंग्स के खिलाफ आया था, लेकिन फिर भी ये प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया था। भारत में भी कई बार आया है लेकिन ये प्रक्रिया लागू नहीं हो पाई है, यानी कि किसी भी जज को नहीं हटाया गया है आज तक। अब हम देखते हैं, आप उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे, यानी कि अब कभी आपसे क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को क्या हम उपस्थित और मतदान करने वालों को 2/3 हटा सकते हैं, नहीं। कैसे, कुल सदन संख्या का बहुमत यानी कि जितने मेंबर हैं 245 243 उसका क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा, इतना तो होना ही चाहिए, प्लस उपस्थित और मतदान देने वालों का 2/3, यानी कि यदि वो संख्या 123 होनी चाहिए और 2/3 भी होनी चाहिए उपस्थित मतदान करने वालों का, लेकिन दोनों समान होनी चाहिए। समान कैसा, मतलब वो 2/3 क्या होना चाहिए, वो 123 तक छूनी चाहिए, इसके बाद ही हम किसी जज को हटा सकते हैं। देखो अब क्या होगा, विशेष बहुमत से और कुल सदस्य संख्या के बहुमत से पारित हो जाएगा तो ये किसके पास जाएगा, ये जाएगा राष्ट्रपति के पास। अंत में राष्ट्रपति उच्च न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी कर देंगे, यानी कि
लोकसभा और राज्यसभा ने, लोकसभा और राज्यसभा ने इसको कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित और मतदान देने वालों का 2/3 से पारित कर दिया। इसने भी लोकसभा ने पारित कर दिया। ये दोनों ने पारित करने के बाद किसके पास जाएगा, ये जाएगा राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति यहां से आदेश जारी कर देंगे और उस व्यक्ति को पद से हटना पड़ेगा। आज तक किसी भी जज को नहीं हटाया गया है, आज तक किसी भी जज को नहीं हटाया गया है। बी रामास्वामी एक जज थे, 1993 में इनके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया शुरू हुई थी पर लोकसभा द्वारा पारित ना होने के कारण इसे नहीं हटाया जा सका। देखो थोड़ा टफ होता है, आप खुद इमेजिन करो 543 होगी कुल सदस्य संख्या, ठीक है। इसका आप जब कुल सदस्य संख्या बहुमत निकालोगे तो उसका आधा कर दो, ठीक है, इसका कर दो आधा। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3। तो थोड़े प्रोसेस थोड़ी टफ हो जाती है, इसलिए आज तक ये प्रक्रिया पूरी तरीके से किसी पर सफल नहीं हो पाई है। अब बात करें वेतन और भत्ते, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजों का जो वेतन मिलता है संसद द्वारा निर्धारित होता है, पर संसद किसी जज की नियुक्ति के बाद उसका वेतन नहीं बदल सकती, यानी कि नियुक्ति होने के बाद वेतन नहीं बदल सकती। कारण क्या है, ताकि सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता है वो बनी रहे, ठीक है। आगे देख लो, अब 2020 में वेतन 280,000 था मुख्य न्यायाधीश का, और जो वरिष्ठ न्यायाधीश थे उनका था 205,000। इतनी बात क्लियर हुई, अब हम आगे देखते हैं हल्का। अब आगे देखते हैं कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, यानी कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का मतलब क्या होता है, काम करने के लिए किसी न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित, यानी कि राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। यानी कि राष्ट्रपति यदि चाहे तो किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में कार्यकारी, मतलब आप कैसे, मतलब वो एक मतलब लीगल तो होगा लेकिन मतलब कह सकते हो कॉलेजियम द्वारा उसका निर्णय नहीं हुआ है, राष्ट्रपति ने अपनी इच्छा से, राष्ट्रपति ने अपने विवेकाधिकार से, राष्ट्रपति ने अपनी अधिकार से क्या हुआ है, किसी व्यक्ति को क्या कर दिया है, न्यायाधीश नियुक्त कर दिया, लेकिन कंडीशन दी है जब मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो, अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, या फिर मुख्य न्यायाधीश अपनी जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ हो, ऐसी कंडीशन में एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ये थोड़ी विशेष स्थिति होती है, ठीक है। अगला है तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ का मतलब टेम्परेरी यानी कि अस्थायी, यानी कि टेम्परेरी न्यायाधीश का मतलब क्या होता है, एक होता है कोरम, आपने राष्ट्रपति मैंने पढ़ाया था, आपने मैंने आपको कोरम बताया था कि इतने व्यक्ति होने ही चाहिए तभी सभा शुरू होगी, लोकसभा का अध्यक्ष चाहे तो सभा को हटा भी सकता है यदि कोरम पूरा नहीं है तो। कोरम क्या होता है, मतलब इतनी संख्या होनी ही चाहिए, यानी कि एक संख्या फिक्स कर दी जाती है कि इतनी संख्या होगी तभी क्या होगा, तभी न्यायालय की प्रक्रिया शुरू होगी। और जब भी कोरम पूरा करने में स्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम हो रही हो, यानी कि जो स्थायी न्यायाधीश है उनके द्वारा संख्या की, कोरम की संख्या पूरी नहीं हो रही है, तब अस्थायी या तदर्थ न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जा सकता है, सॉरी भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए उच्चतम न्यायालय तथा न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। यानी कि ध्यान रखना, यहां पे आपको स्टार लगा लेना एक, कि जो तदर्थ न्यायाधीश की जो नियुक्ति की जाती है वो भारत के CJI द्वारा की जाती है, ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तदर्थ न्यायाधीश की जो नियुक्ति की जाती है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है, यानी कि जो हाई कोर्ट से जजों को उठा लिया जाता है और उनको क्या कर दिया, उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाता है, लेकिन बनाएगा कौन, भारत का मुख्य न्यायाधीश, यहां राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं है, ध्यान रखना। जिस न्यायालय से लेकर हम आ रहे हैं उसके मुख्य न्यायाधीश से पूछना पड़ता है, यानी कि हम सपोज करो उत्तर प्रदेश की जो हाई कोर्ट है इलाहाबाद, उससे किसी न्यायाधीश को उठाकर ला रहे हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो यहाँ के जो इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश होंगे इनसे पूछना पड़ेगा, पूछने के बाद तभी हम उसको सुप्रीम कोर्ट में अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। पर इससे पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है, यानी कि नियुक्ति तो मुख्य न्यायाधीश करेंगे लेकिन राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेंगे कि राष्ट्रपति जी हमको तदर्थ यानी कि कोई स्थायी यानी कि टेम्पररी न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है, तो राष्ट्रपति कहते हैं ठीक है। तब क्या करेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश किसी भी राज्य के
जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसे सलाह लेंगे और सलाह लेने के पश्चात उसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना देंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जितनी अर्हता होती है, यानी कि ये इस पर स्टार लगा लेना कि राज्य के न्यायाधीश को तभी नियुक्त किया जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो योग्यता ना रखता हो और आप बना नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता भी रखता होना चाहिए। ठीक है, अगला है सारी सुविधाएं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह मिलेंगी, यानी उसे सारी सुविधाएं मिलेंगी, वो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही मिलेंगी उसे। ठीक है, अब आगे देख लो आप हल्का हल्का न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति यानी कि उनको रिटायर के बारे में, जिसे नियुक्त करना है उससे पूछना पड़ेगा। किसी रिटायर जज को अल्पकाल के लिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति जरूरी है। यानी कि किसी भी रिटायर जज को, यदि कोई जज रिटायर है, यदि उसको हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही उसको रिटायर होने के बाद न्याय प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है। इसके वेतन भत्ते कौन फिक्स करेगा, राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे, पर इन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं समझा जाएगा। यानी कि जो रिटायर्ड जज को, यदि किसी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को जब सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज नियुक्त किया जाएगा मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, तो उसको क्या होगा, उसको जज नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है ना, कई बार क्या होता है जब काम का बहुत ज़्यादा पड़ जाता है तब इस प्रकार की नियुक्ति होती है, काम खत्म हुआ अपने वो कार्यकाल से वापस आ जाते हैं, ये नहीं कि बस बने रहेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। जब काम का ज़्यादा बोझ पड़ता है तब ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब देखो न्यायालय की प्रक्रिया क्या है, उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही संचालन हेतु नियम बना सकता है। यानी कि जो उच्चतम न्यायालय को जो अपनी न्यायिक प्रक्रिया किस प्रकार से संचालन करना है, तो इसका निर्णय किसके द्वारा होगा, राष्ट्रपति की पहले मंजूरी लेनी पड़ेगी और राष्ट्रपति की मंजूरी लेने के बाद नियम बना सकता है सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई संवैधानिक मामला आता है तो उस मामले के सुनने के लिए कम से कम 5 जज होने चाहिए। अगर कोई संवैधानिक से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो उसको अकेले मुख्य न्यायाधीश नहीं सुलझा देंगे, बल्कि क्या करना पड़ेगा, 5 जज होने चाहिए उस पैनल में, तब प्रश्न को हल किया जाएगा। अगला है, यदि कोई आम मामला है तो उसके लिए 3 जज होने चाहिए। फैसला खुले न्यायालय में दिया जाता है, यानी कि ओपन न्यायालय में, यानी कि कोई बैठक में होगा नहीं, खुले न्यायालय में फैसला दिया जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम न्यायालय की स्वतंत्रता के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में थोड़ा चर्चा करें हम। मूल अधिकारों का रक्षक है, संविधान का संरक्षक है, अगर ये स्वतंत्र रहेंगे तभी अपना काम सही से कर पाएंगे। ध्यान रखना, मूल अधिकारों का रक्षक और संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है। कार्यकारी की सुरक्षा की बात करें, जब तक वह हनन नहीं करता जब तक बना रहता है, पर जब हनन करेंगे तो राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। यानी कि जब तक वो दुर्व्यवहार ना करें और अक्षम ना हो तब तक उनको नहीं हटाया जा सकता। यदि वो दुर्व्यवहार करते हैं किसी के साथ या फिर न्याय देने में वो सक्षम नहीं है तब राष्ट्रपति द्वारा उनको हटाया जा सकता है, और इसके अलावा उनको नहीं हटाया जा सकता। महाभियोग की प्रक्रिया वो तो है ही है। निश्चित सेवा शर्तें, वेतन भत्ते संसद द्वारा निर्धारित जो तय होंगे, पूरे कार्यकाल में वही सेवा मिलेगी सिवाय वित्तीय आपातकाल, यानी वित्तीय आपातकाल में इनके वेतन को घटाया जा सकता है। अगला है, वेतन कहां से मिलेगा, भारत की संसद निधि से वेतन मिलेगा। क्लियर हुई बात, ठीक है। और ध्यान रहे, एक बात और बता दूं मैं आपके लिए, इनके वेतन संबंधित ध्यान रखना, इनके वेतन पर कभी भी वोटिंग नहीं होगी, कोई बहस नहीं होगी, न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं हो सकती, संसद में चर्चा नहीं की जा सकती कि उच्चतम न्यायालय में क्या चल रहा है। ऐसा नहीं होगा कि मुद्दा उठा लिया संसद में कि भाई सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, कोई बहसबाजी नहीं होगी, कोई बात नहीं बोली, क्योंकि एक वो सुप्रीम चीज है। ठीक है, तो उस पर हम ज़्यादा बहसबाजी नहीं कर सकते क्योंकि संविधान में क्या है, इनके लिए स्पष्ट प्रावधान दे रखे हैं। हम अगली थोड़ी बात करें, अगली बात क्या है, सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, यदि वो रिटायर हो जाते हैं तो रिटायर होने के बाद वो अस्थायी रूप से नियुक्त तो किए जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन वकीलात नहीं कर सकते। यानी सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर होने के बाद वकील के काम नहीं कर सकते।
जब रिटायर हो जाते हैं तो उन्हें किसी न्यायालय में कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है, ऐसा इसलिए ताकि वो निर्णय देते समय अपने भविष्य को ध्यान में ना रखें। अगर ऐसा होता तो वो क्या करते, डिसीजन लेते समय कुछ ना कुछ अपने माइंड में कोई ना कोई बात रखते जरूर। अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति, यानी कि उच्चतम न्यायालय की अवमानना करो तो आपको दंड देने का, यदि आपने किसी डिसीजन के खिलाफ कोई बात बोली, कुछ गलत बोला, तो कोर्ट आप पर ध्यान रखना एक्शन ले सकती है और आप कुछ नहीं कर सकते। अगला क्या है, अपना स्टाफ नियुक्त करने की सुविधा, यानी कि मुख्य न्यायाधीश अपना स्टाफ, यानी कि जो नियुक्त स्टाफ होता है उसकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट अपनी खुद ही करती है, ठीक है। इसके न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं की, इस वेरी वेरी मोस्ट, इस पर इशारा लगा लेना आप, संसद को उच्चतम न्यायालय के निर्णय में कटौती करने का कोई अधिकार नहीं है, यानी कि संविधान ने जितना अधिकार दे रखा है न्यायालय के लिए उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट क्या कर, जो संसद है न्याय क्षेत्र को नहीं काट सकती, लेकिन हाँ न्याय क्षेत्र में वृद्धि जरूर कर सकती है, मतलब न्याय के क्षेत्र को कम नहीं किया जा सकता बल्कि उसको बढ़ाया जा सकता है। अगला है कार्यपालिका से पृथक, कार्यपालिका न्यायपालिका से स्वतंत्र है ताकि एक दूसरे काम हस्तक्षेप न्याय करें, यानी कार्यपालिका क्या करती है, कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है और सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, कानूनों को रिव्यू करती है उनका कि सही बना है गलत बना है, यदि दोनों एक रहेंगे तो काम कैसे होगा भाई, यानी वही व्यक्ति बना रहा है और भाई उसका सांठगांठ चल रही है, इसीलिए कार्यपालिका ने कानून को लागू किया है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रिव्यू कर सकती है, जाँच कर सकती है, यदि संविधान के अनुरूप नहीं है तो उसको खत्म भी कर सकती है आर्टिकल 13 के द्वारा। अब आगे हम देखते हैं उच्चतम न्यायालय की शक्तियां और क्षेत्राधिकार, अमेरिका और ब्रिटेन की शक्तियां, ठीक है, बराबर भारत की शक्तियां, ठीक है, अधिकारों का गारंटर है ये, हमारे उच्चतम न्यायालय के पास इतनी शक्ति है जितनी विश्व के किसी भी न्यायालय के पास नहीं है, ये अल्लादि कृष्ण स्वामी अय्यर ने बात बोली थी कि हमारे उच्चतम न्यायालय के पास इतनी पावर है कि किसी न्यायालय के पास इतनी पावर है ही नहीं, विश्व में नहीं है। तो देखो अब हम बात करेंगे एक मिनट, देखो अब हम बात करेंगे न्यायालय के क्षेत्र के बारे में, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके कितने क्षेत्र हैं जहां जहां पर वो न्याय कर सकती है, तो ठीक है उनके बारे में। पहला है हमारा उसका मूल क्षेत्राधिकार कौन सा है, अपीली क्या है, अभिलेख न्यायालय क्या कहते हैं, मतलब सारे चर्चा करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो पहला हम बात करते हैं इसका मूल क्षेत्राधिकार, यानी कि इसका मूल को हम प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी बोल सकते हैं। मूल से मतलब क्या है, मतलब ये है कि इन डिसीजन को निर्णय देने का अधिकार, इन मुद्दों को जो डिसीजन देने का अधिकार केवल केवल सुप्रीम कोर्ट को ही है और कोई इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। कौन कौन से मुद्दे हैं, कुछ ऐसे मामले जहां पर केवल सुप्रीम कोर्ट को ही शक्ति है उनको क्या बोलते हैं, मूल क्षेत्राधिकार, यानी कि कुछ मामले ऐसे हैं कि जिन पर डिसीजन देने का अधिकार केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को ही है। पहला क्या है, केंद्र एक या एक से अधिक राज्यों के बीच कोई झगड़ा हो, यानी कि एक तरफ केंद्र है और एक तरफ क्या है, दो राज्य हैं, केंद्र एक तरफ केंद्र हो या फिर कोई राज्य एक तरफ हो ना और दूसरा राज्य हो गया एक तरफ, यानी कि एक तरफ केंद्र और राज्य हो गए दूसरी तरफ कोई दूसरा राज्य हो गया, या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई झगड़ा हो, यानी कि एक तरफ केंद्र एक तरफ राज्य इनका कोई झगड़ा होगा तो सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, ठीक है। यदि एक तरफ दो राज्य है एक तरफ अकेला केंद्र है फिर भी झगड़ा कौन सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। तो ध्यान रखना इनका कोई हाई कोर्ट इनका मुकदमा नहीं सुनेगा, इनका मुकदमा सुनने का मूल क्षेत्राधिकार किसको है, सुप्रीम कोर्ट को ही है। अब देखो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जैसे कि कोई संधि या समझौता जो संविधान से पहले लागू हुआ हो तो इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई अंतर्राज्यीय जल विवाद हो इसमें भी कोई, जैसे कि तमिलनाडु कर्नाटक जो है उनकी कोई नदी का विवाद है तो इंटरफेयर नहीं करेगा। ध्यान रखना हाँ उनका कोई कोई वैसा मुद्दा है राज्य राज्य का तो इंटरफेयर करेगा लेकिन नदी के मामले में नहीं करेगा। अगला है वित्त आयोग के पास जो मामले हैं उनमें इंटरफेयर नहीं करेगा, केंद्र और राज्यों के बीच व्यापार वाले विवाद हैं उनमें इंटरफेयर नहीं करेगा, अगर राज्य केंद्र की प्रॉपर्टी खराब कर दे यह सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मामला सुलझाया नहीं जाएगा। ध्यान रखना ये
चार मामले हैं जिन पर अधिकार देने का केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, लेकिन इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, हम एक अधिकार अगला देखते हैं। अब तो वो यहां से क्वेश्चन बनते, ध्यान रखना यहां से क्वेश्चन बनते हैं, इसको ऐसे में इसको रिवीजन करना है आपको 102 बार, कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं यहां से। अगला है न्यायाधीश क्षेत्राधिकारी, यानी कि उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर सकता है ताकि मूल अधिकार सुरक्षित रहे। उच्च न्यायालय के पास रिट जारी किया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, यानी कि रिट जारी करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा अधिकार हाई कोर्टों को दिए गए हैं। क्लियर हुआ? देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो रिट जारी, जैसे कि हमारे 5 रिट जारी किए थे, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, ठीक है, तो ये सारी 5 रिट हैं। इन 5 रिटों पर जो अधिकार जो दिया गया है वो हाई कोर्ट को अधिकार ज़्यादा दिया गया है। कैसे? जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकार के हनन पर केवल रिट जारी कर सकती है, लेकिन हाई कोर्ट क्या कर सकती है? हाई कोर्ट मूल अधिकार पर तो रिट जारी करेंगे ही करेंगी, लेकिन अन्य मामलों पर भी रिट जारी कर देंगी। यानी कि यदि मूल अधिकारों का हनन होगा तो केवल सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के खिलाफ ही रिट जारी कर सकती है, हनन हुआ है, लेकिन अन्य मामलों पर रिट जारी नहीं कर सकते। लेकिन हाई कोर्ट क्या है? मूल अधिकारों का हनन होगा तब भी रिट जारी कर सकता है हाई कोर्ट, और अन्य मामलों पर भी रिट जारी करने का अधिकार है। यानी कि एक बात क्लियर होती है कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा हाई कोर्ट को शक्तियां दी गई हैं रिट जारी करने के संबंध में। ठीक है, यानी कि रिट जारी करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा शक्तियां हाई कोर्ट को दी गई हैं। अब है अपीली क्षेत्राधिकार, यानी कि अगर निचली अदालत से कोई खुश नहीं है तो वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। अब देखो तुमको थोड़ी बात बताऊं यहां पे क्लियर करके, यानी कि इसका मतलब क्या, यदि कोई हाई कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है, यानी कि उसके निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, लेकिन कुछ 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 कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि उस डिसीजन को पहले हाई कोर्ट अप्रूव करेगा कि ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए लायक है या नहीं है। डायरेक्ट नहीं होगा कि हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया और आप चले गए सीधे सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा नहीं होगा। पहले उस डिसीजन को अप्रूव करना पड़ेगा हाई कोर्ट के द्वारा कि यह डिसीजन वास्तव में डिसीजन ऐसा है जो सुप्रीम कोर्ट सुलझा पाएगा, यानी सुलझाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? हर कोई व्यक्ति हाई कोर्ट से असंतुष्ट होता और सुप्रीम कोर्ट में चला जाता।